दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस मंत्र पे। आखिर क्या मंत्र है और कैसे हम इस मंत्र का यूज करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं लाइफ में, जब हम कोई भी काम करते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं, तीन बड़े चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज होता है पहला स्टेप लेना, यानी हम प्लानिंग तो बड़ी करते हैं, लेकिन कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारा दिल 100 बार बोलता है, यार छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम निगेटिव थॉट से डूबे हुए होते हैं। हमने इस सक्सेस मंत्रा को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम कुछ उन बातों को करने वाले हैं, यानी जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हमारे अंदर जो निगेटिव थॉट्स आते हैं, कैसे हम उन्हें ओवरकम करें। दूसरे पार्ट पे हम लेके आएंगे कि जब हम काम करते हैं, आखिर हमसे क्या गलतियां होती हैं, क्या छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं, और हम बड़े एनर्जी के साथ काम करने के बाद भी रिजल्ट हम वैसा नहीं ले पाते हैं जैसा हमें मिलना चाहिए। तीसरे पार्ट पर हम बात करेंगे कि अगर हम काम भी बढ़िया कर रहे हैं, हमने डिसीजन भी बढ़िया लिया है, तो आखिर क्या वो चीजें हैं जो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करती हैं। तो सक्सेस मंत्रा में आप सबका स्वागत है, और आज हम आज आपको 5 मूल मंत्र देने वाले हैं। आप इनको बड़े ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, जितना कठिन लक्ष्य उतनी कम प्रतिस्पर्धा। जितना कठिन लक्ष्य उतनी कठिन प्रतिस्पर्धा। अरे सोच के देखो, ये तो मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव रहा है। अगर 100 बच्चा तैयारी करने के लिए आता है, अगर 100 बच्चा तैयारी करने के लिए आता है, उसमें से सारे के सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें ऐसा एग्जाम बताओ जो 2 महीने में सिलेक्शन दे दे। 10 बच्चा कहता है सर हमें पीएससी करना है, और उसमें से एक बच्चा कहता है सर हमें यूपीएससी करना है। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, और आपको इस बात की सच्चाई पता चलेगी कि जितना ही कठिन आपका लक्ष्य होगा, उतनी ही कम भीड़ होगी, क्योंकि कमजोर दिल वाले लोग तो वैसे ही छोड़ देते हैं। कमजोर दिल वाले लोग तो वैसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये उनकी क्षमता के बाहर होता है। एक कहानी है, एक बच्चा एक चिड़ियाघर जाता है। वो चिड़ियाघर में एक ऐसी बात देखता है जिसे देखकर उसका दिमाग यकीन नहीं कर पा रहा होता है। आखिर वो ऐसा क्या देखता है? वो देखता है एक बड़े से हाथी को एक पतली जंजीर से बांधा हुआ है, और एक छोटे से बच्चे को लोहे की बहुत बड़ी जंजीर से बांधा हुआ है, लोहे की बड़ी मोटी जंजीर से बांधा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस छोटे से बच्चे के लिए इतनी सुरक्षा और इस बड़े से हाथी के लिए पतली सी जंजीर। वो उत्सुक हुआ जानने के लिए, और वो महावत के पास जाता है। वो कहता है मुझे ये बात समझ में नहीं आई। महावत कहता है आप देखिए, एक बच्चा जब छोटा होता है, उसके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस और विचारों का सैलाब होता है। तो अगर हाथी का बच्चा छोटा है, वो खुद को इस जंजीर से छुड़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमने जंजीर मोटी रखी है, क्योंकि जब ये खुद को छुड़ाने की कोशिश करे, तो ये थक के हार जाए और खुद को छुड़ा ना पाए। और जब वो कई बार ऐसा करता है, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता। और जब वो बड़ा हो जाता है, और उसके गले में अगर कुछ बंधा हुआ है, उसे लगता है ये वही दीवार है जिसे मैंने इतनी मेहनत के बाद भी तोड़ नहीं पाया है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि अपने दिमाग के उस निगेटिविटी के सैलाब को दूर करिए। आप जीवन में अगर लक्ष्य बड़ा चुनेंगे, तो आपको कम भीड़ का सामना करने को मिलेगा, और आप निश्चित तौर पर उस भीड़ से अलग रहेंगे। हमारा दूसरा मंत्र भी इसी से जुड़ा हुआ है। कभी भी जीवन में छोटे लक्ष्य मत रखना। कभी भी अपने जीवन में छोटे लक्ष्य मत रखना। आखिर क्यों? जरा सोच के देखो, इस कुदरत ने दुनिया के 90% लोगों को शारीरिक तौर से एक जैसा बनाया है। अगर फर्क है सिर्फ एक बात का, और वो है सोच का। अगर आपने जीवन में कभी भी छोटे लक्ष्य रखे, तो आपका काम छोटा होगा, और छोटे काम का परिणाम कभी बड़ा नहीं हो सकता है।
तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर आप रख लीजिए कि जीवन में आपको अगर सफल होना है और दूसरों से आगे निकलना है तो आप अपने जीवन में कभी भी छोटा लक्ष्य मत रखिए। अगर आप लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो आपकी ऊर्जा भी उतनी होगी और आप उसी के हिसाब से काम करेंगे। और निश्चित तौर से अगर हम ज्यादा ऊर्जावान होंगे, ज्यादा अच्छी क्षमता से काम करेंगे, तो परिणाम तो कोई रोक ही नहीं सकता है। हमारा तीसरा मंत्र विकल्प संकल्प को कमजोर करता है। विकल्प संकल्प को कमजोर करता है। देखते हैं कैसे। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप कोई भी काम करता है या लाइफ में कभी टफ मोमेंट्स होता है, दो तरीके की आवाज आती है। कई बार मन कहता है कि यार ऐसा होना चाहिए, दिमाग कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा जब आपका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें करता है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता है। आपने सुना होगा 1% लोग, 1% सनकी लोग, जुनूनी लोग इतिहास लिखता है और 99% जेंटलमैन उस इतिहास को पढ़ता है। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने किसी भी काम को, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपने किसी भी काम को करने का फैसला लिया है तो अपने दिल और दिमाग को एक करिए और जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता को लगा दीजिए और आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहा है, आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, भगवान बनने के लिए किसी को IAS होने की जरूरत नहीं है। सचिन क्रिकेट के भगवान है क्योंकि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को सिर्फ एक काम में लगाया है। तो आज आप जिस भी काम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने दिल और दिमाग दोनों को एक करिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर उस फील्ड में कभी निगेटिव मूवमेंट आते हैं, कभी बुरा समय आता है, आप कभी गिवअप नहीं करोगे। हमारा चौथा मंत्र, कभी भी सवालों और आलोचनाओं से घबराए नहीं। कभी भी सवालों और आलोचनाओं से घबराए नहीं। बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, दुनिया क्या बोलेगी सबसे पहले हमें सोच लेता है और हम जो है उस सोच की वजह से कई बार काम ही नहीं कर पाता है। 90% लोगों के पहले कदम ना ले पाने का सिर्फ एक रीजन है कि उनके अंदर ही कई सारे सवाल आते हैं। अरे मुझे एक बात का जवाब दो। ये दुनिया तो भगवान पे भी सवाल करती है, भगवान पे भी कमेंट्स करती है, तो भला आप कहां से बच पाओगे। और ये दुनिया इतनी स्वार्थी है, यकीन मानना, और आपने कई बार देखा भी होगा, ये दुनिया इतनी स्वार्थी है, जिस दिन आप सफल हो जाओगे आपके पीछे ये कहने वालों की भीड़ होगी कि मुझे पता था तुम ही करोगे। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो अपने मन से डिसीजन लीजिए और दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि दुनिया क्या सोचेगी। अरे वो करो जो आपका दिल और दिमाग सोचता है। पांचवा मंत्र है, समस्या पर नहीं समाधान पर विचार करें। क्या है ये समझता है, ज्यादातर लोग, या हम कहें ज्यादातर असफल लोग, दिन भर हमेशा इस बात पर विचार करते हैं अगर हम ये काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। और वो ये खुद को समझाते हैं कि भैया समस्या के बारे में सोचेंगे तभी तो अच्छा कर पाएंगे। अरे समस्या तो 5 रुपए कमाने में भी है, समस्या तो चाय बनाने में भी है, और समस्या एक स्टील इंडस्ट्री चलाने में भी है। ज्यादातर असफल लोग हमेशा समस्याओं पर ही बात करते हैं और समस्याओं पर ही सोचते हैं और यही कारण है कभी वो काम शुरू नहीं कर पाते हैं। और सफल लोग समस्याओं पर सोचते हैं लेकिन समस्याओं पर नहीं, समस्याओं के समाधान पर सोचता है। तो उम्मीद करते हैं आप अपने दिमाग की स्थिति को जानें, समझें, अपने दिल और दिमाग को एकजुट करें और वो फैसला लें, वो काम करें जो आप दिल से करना चाहते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपका दिल और दिमाग एक है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में हम बात करेंगे, जब हम काम करते हैं पूरी शिद्दत से, हमने फैसला लिया, पूरी शिद्दत से हमने अपनी पूरी क्षमता लगा दी, तो फिर भी ऐसा कई बार होता है कि हम असफल हो जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, आखिर हम किन चीजों को ओवरकम कर लें तो उसमें हम असफल नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।